दरबार में गूंजा धनाजी सरदार का अहंकार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। जब मैंने धनाजी सरदार को इतना बढ़ चढ़ के अपनी ही तारीफ करते हुए दरबार में देखा तो मुझे मेरे मम्मी की बात याद आ गई। वो हमेशा जब भी पूजा पाठ करते थे, रामायण पढ़ते थे, तो हमेशा जब भी कोई ऐसी चीज देखते थे तो हमेशा कहते थे कि अहंकार तो रावण का नहीं रहा। तो जब मैंने ये सीन देखा तो मुझे वही चीज याद आई। चलिए इस अहंकार पे बात करना बनता है, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धनाजी सरदार ने अपना जो भी उनका कसूर था, जो भी उनका कांड था, वो सारा धनेश्वर के सर पे मर दिया। और धनेश्वर जिसको प्लांट किया गया उसकी मजबूरी की इविज में, क्योंकि वो मजबूर है, परिवार के लिए करना चाहता है, मरना चाहता है। तो धनाजी सरदार बहुत खुश है क्योंकि दरबार में उन्होंने वो कर दिखाया जो अहिल्या ने नहीं कर दिखाया। अहिल्या को इस काम की जिम्मेदारी दी गई थी और धनाजी सरदार को भी कहा गया था कि आप ढूंढिए, क्योंकि आप ही कर्ता धरता हो, कर वाले डिपार्टमेंट के आप ही हो, जो इसके सरदार हो तो आपकी ड्यूटी ज्यादा बनती है। वो अपनी तरीके से लगे हुए थे, मगर मल्हार सरकार को तब तक तसल्ली नहीं मिलने वाली थी जब तक वो हत्यारा सामने नहीं होता। अब हत्यारा तो उनके सामने ही घूम रहा था धनाजी सरदार, मगर वो खुद कैसे बोले या धनाजी सरदार खुद को कैसे बताएं। खैर, इसके बीच में धनाजी सरदार इसको लेके आ जाते हैं और जब ये चीज होती है और वो देखते हैं धनाजी सरदार कि मल्हार सरकार कन्विंस हो गए हैं इसके धनेश्वर की बातों से, तो उनका सीना चौड़ा हो जाता है कि देखो मैंने कितना बड़ा काम कर दिया। कोई और उनकी तारीफ नहीं करता है क्योंकि पहले से लोगों को यह लग रहा था, चाहे वो तुक्कू जी हो चाहे वो गंगूबा तात्या हो, कि ऐसा होना ही नहीं चाहिए था। आपके डिपार्टमेंट में ऐसी इतनी बड़ी जो है, एक तो पहले जो गबन होना कर का इतना बड़ा, फिर हत्या होनी ही नहीं चाहिए थी। मगर इस चीजों को धनाजी सरदार नहीं सोचते हैं। उनका सोचना यह है कि मैंने तो कर दिया ना अपना काम, मैंने तो हत्यारा ला के खड़ा कर दिया। और बड़ी बात यह दोस्तों कि अपनी तारीफ तो इतनी ज्यादा कर रहे थे, देखो मैंने खत्म कर दिया, टाइम पे काम खत्म कर दिया, दो दिन में ऐसे हत्यारा ढूंढ के ला दिया। हाईलाइट ये कि जब अहिल्या ने सवाल पूछे तो उन सवालों का जवाब ना देके अहिल्या पे जलन का आरोप लगाना शुरू कर दिया कि आपको दिया था ना, आपको लगता था कि आप करोगी, मैंने कर दिया तो आपको अब सवाल उठ रहे हैं। वो सब चीजें हैरानी होती है मुझे कि इतना कॉन्फिडेंस झूठ के ऊपर, इतना अहंकार। और वहां पे जहां पे सामने मल्हार सरकार बैठे हैं, अहिल्या खड़ी है, और क्या ये धनाजी सरदार को लगता है कि ये सब जितने भी ओधे पे हैं बड़े बड़े लोग, ये बेवकूफी हैं? उनके सामने तो वो साबित हो गए हैं कि बेवकूफ है, मगर मुझे नहीं लगता कि वो है। उनके दिमाग में भी ये नहीं जो अहिल्या के दिमाग में सवाल आए, मगर कुछ और सवाल तो जरूर होंगे क्योंकि किसी की लुक से ये नहीं लग रहा था कि वो अश्वस्त है इस धनेश्वर को देख के। तो धनाजी सरदार का अहंकार भी टूटेगा दोस्तों। जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि रावण का अहंकार नहीं रहा तो किसी का भी नहीं रह सकता। अहंकार अगर गलत चीज पे है, अगर अहंकार को नेगेटिवली हम लोग लेके जाते हैं कि हम अपनी हर गलती का भी अहंकार करते हैं, हमने इनको बेवकूफ बना दिया, वो अहंकार जो है आपको हमेशा कुएं में ही डालता है, आपका हमेशा नुकसान ही करता है। तो ये धनाजी सरदार जो है आज हमें इस तरह से दिखाई दिए हैं दरबार के अंदर, गूंजते हुए अपने अहंकार की गुहार को लेके। क्या कहते हो आप, कमेंट कीजिए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.